जिला भाजपा के कार्यालयों का उद्घाटन हो रहा है। अब मैं रांची के मंच से आमंत्रित करता हूं हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री, झारखंड भाजपा विधायक दल के नेता आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी को, वो आए और आज के इस उद्घाटन समारोह में अपना संबोधन करें। आज जिला कार्यालय उद्घाटन समारोह में मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यक्रमों से होना है, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री आदरणीय जेपी नड्डा जी और आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश के अध्यक्ष श्री दीपक प्रकाश जी और दिल्ली केंद्रीय कार्यालय के मंच पर उपस्थित पार्टी के संगठन महासचिव महामंत्री श्री बीएल संतोष जी, श्री अरुण सिंह जी, श्री शावदान सिंह जी और भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री और झारखंड राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी और हजारीबाग से सांसद और पूर्व मंत्री श्री जयंत सिंह जी, जयंत सिन्हा जी और रांची के कार्यालय में उपस्थित संगठन महामंत्री श्री धर्मपाल जी और कार्यक्रम का संचालन कर रहे पार्टी के महासचिव श्री प्रदीप वर्मा जी और सभी आठों जिला में उपस्थित जिलाध्यक्ष और उनके सभी कार्यकर्तागण और साथ ही आज बड़ा शुभ दिन है तो क्या झारखंड प्रदेश में आठ आठ कार्यालय का एक साथ और केंद्रीय अध्यक्ष के राष्ट्रीय अध्यक्ष के हाथों उद्घाटन हो रहा है। आज इस अवसर पर मैं उन सब कार्यकर्ताओं को भी अपने ओर से बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि जिन लोगों के मेहनत से परिश्रम से आज झारखंड प्रदेश में जो आठ आठ कार्यालय बन के तैयार हुआ है, निश्चित रूप से उसमें जो बड़ा योगदान राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास जी और पूर्व के कोषाध्यक्ष महेश पुद्दार जी, शेखर जी, ऐसे तमाम जो अनेक कार्यकर्ता जिसका नाम तो यहाँ नहीं लिया जा सकता है लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, सारे लोगों ने जो काम में लगे और आज कार्यालय बन करके तैयार हुए। कार्यालय के संदर्भ में अभी दीपक जी ने बताया, हम सबको प्रदेश अध्यक्ष ने बता दिया, तो मैं इतना ही जिला अध्यक्षों से भी निवेदन करूंगा कि भाई हम कार्यालय में सभी प्रकार की जानकारी हमें वहां अब उपलब्ध होगी, नियमित रूप से बैठकें भी होगी, यानी कार्यालय हमारा उस प्रकार से होना चाहिए, जिला का कार्यालय है तो जैसे एक जिला के कलेक्ट्रेट में जितनी सारी चीज़ें उपलब्ध होती है तो भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय में भी वो सारी चीज़ें वहाँ उपलब्ध हो, बल्कि उन लोगों से भी कहीं अधिक जानकारी कोई एक छत के नीचे पहुंचे तो कोई भी चीज़ वहाँ जानकारी उस जिला से संबंधित लोग प्राप्त करना चाहे तो जिला में ही वो सारी चीज़ें उपलब्ध हो जाए। इसलिए हमारा जिला अध्यक्ष से और वह जिला के जो प्रमुख कार्यकर्ता है सबों से हमारा एक विनती रहेगी कि भाई कार्यालय हम उस प्रकार से बनावें कि कार्यालय में हमें सब कुछ उपलब्ध हो जाए, ताकि कोई भी व्यक्ति कार्यालय पहुंचे तो उस जिला की जो वास्तविक स्थिति है उसके बारे में उनको वहीं से पता चल जाए। अगर किसी को कहीं जाना भी हो तो फिर वहाँ मैप भी ऐसा रहे कि लोगों को वहीं से पता चले कौन सी जगह कितनी दूरी पर है, कहाँ पर है, वहाँ जाएंगे तो वहाँ पर कौन से व्यक्ति हमें मिलेंगे। चूँकि मैंने कार्यालय जब गिरिडीह जब हम गए थे कार्यक्रम में तो उस दिन हमने वहाँ गिरिडीह कार्यालय के परिसर में पौधारोपण भी किया था और उस दिन मैंने कार्यालय का जो भव्य रूप देखा तो मैंने इसलिए कह सकता हूँ कि ये सारे चीज़ उस एक परिसर में उपलब्ध हम करा सकते हैं
और जिस जिला में सब जानकारी जहां उपलब्ध होती है तो उस कार्यालय से और सतत काम भी तेजी से हो सकता है और लोग भी आकर के कोई भी जानकारी वहां से लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं एक संक्षिप्त रूप में कह रहा था कि कार्यालय को हमें उस प्रकार बनानी ताकि हर चीज़ जिला की जो जानकारी है वहां हमें उपलब्ध करानी चाहिए या कोई भी ले सके तो सरकारी दफ्तरों में ना जा करके भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में लोग पहुंचे और वो सब चीज़ वहाँ उपलब्ध हो जाए। तो मैं समझता हूँ कि आप सब लोगों ने हमारी उन बातों को ध्यान दिए होंगे और जैसे अभी आप देख रहे होंगे झारखंड की जो हालात है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज इस राज्य की जो हालात पैदा हो गई है यहाँ तो लगता है कि चारों तरफ जिस सरकार से हम सब लोग उम्मीद कर रहे थे कि नई सरकार बनी है, मुख्यमंत्री भी वे युवा है तो काम करेंगे, लेकिन बिल्कुल इन 6 महीनों के अंदर में जिस प्रकार से जो कोरोना के काल में उसका जो कार्यक्रम अभी भी देख रहे हैं कि हॉस्पिटल में जगह नहीं, जबकि हम सब लोग पहले से कहते रहते सरकार को कि आप जगह वगैरह को बिल्कुल दुरुस्त करिए, क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतेगी बाहर से लोग आएंगे तो ये बीमारी धीरे धीरे फैलेगी, आप लगातार बढ़ रही है, लेकिन सरकार उसमें कहीं कोई दिखाई नहीं पड़ रहे। आ रहा है कि मरीजों को रखने के लिए भी जगह नहीं है, इलाज की तो दूर की बात है। तो मैं ये कह रहा था कि इस समय इस काम को भी सरकार अच्छे ढंग से कर सकते थे, उसमें भी वो सफल नहीं हुए और साथ ही लॉ एंड ऑर्डर पूरे प्रदेश की बिल्कुल आज बिगड़ रही है। आज पूरे राज्य में उग्रवादियों की जो गतिविधि है इस कदर बढ़ गई है। अब जो लोग जब 19-20 के पहले जब इस प्रदेश में बीजेपी के नेतृत्व में रघुवर दास जी के नेतृत्व में सरकार जब चल रही थी तो उग्रवाद तो मानो झारखंड से कहीं भाग चुके थे, ऐसा लग रहा था कि अब झारखंड में अमन चैन आ गया, लेकिन अब फिर से इस राज्य में भय का माहौल, आतंक का माहौल पैदा हो गया। हमें तो जिला से लोग सूचनाएं रोज देते हैं कहाँ किस प्रकार की गतिविधि है, कहाँ कैसे लोग घूम रहे हैं, वो किसी से छुपा हुआ नहीं। अब आए दिन आप घटनाओं में भी इजाफा हो रहा है, रोज देख रहे होंगे सभी जिला में फिर उसी प्रकार से, चाहे वो चायबासा हो, चाहे वो गिरडी हो, चाहे पलामू का क्षेत्र हो, चाहे सब जगह खूंटी का इलाका या कोई भी इलाका आज अछूता नहीं है। तो हमने कहा कि ये जो उग्रवादी घटना और इसमें से सरकार बिल्कुल मूकदर्शक बनी हुई, सामान्य लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति भी, चोरी डकैती हत्या अपहरण ये सब आम बात हो गई। और ये इसलिए हो रहा है कि आज जो भी पुलिस प्रशासन है उनका जो पदस्थापन हो रहा है चाहे थाना में हो या जिला में हो, और उनको या तो ये निर्देशित किया जाता है कि अपोजिशन को दबाना, उनको तंग करना, उनको तबाह करना, और उसके साथ साथ जो दो नंबर का जो धंधा है कोयला की चोरी, बालू की चोरी, पत्थर की चोरी, ये सब करवाना, तो ये आम बात है, ये रोज अखबारों में भी सोशल मीडिया में भी सब कुछ प्रसारित हो रहा है, रोज दिख रहा है। पुलिस का आतंक कैसे आप समझ सकते हो, कल एक थानेदार को बरहेट जहां से आज मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र है उनको सस्पेंड किया। अब उन्होंने जिस प्रकार से किया और आज तो हमें वहां से पता चला कि वहां पर ब्लॉक में BDO भी नहीं, CO भी नहीं, वही थानेदार BDO CO का भी काम कर रहे थे, यानी जितनी वसूली का काम हो रहा था वही सारे लोग कर रहे थे। तो मैंने इसलिए इन सारे बातों का थोड़ा सा उल्लेख कर रहा हूँ कि भाई आप सोच सकते हो कि जब उनके क्षेत्र में ये हालत है वहाँ क्या कर रहे हैं, वो किसी से छुपा हुआ नहीं। और इसीलिए आज हम सब लोग इस समारोह में उपस्थित हैं, कार्यालय को हमें इतना जीवंत अब हमें बनाना है ताकि इस राज्य में जैसे ही लॉकडाउन समाप्त होता है तो हम सबको सड़कों पर आकर के संघर्ष करना पड़ेगा, हमें सड़क पर आकर के सरकार को मजबूर करनी पड़ेगी काम करने के लिए, और हम लोगों के साथ नहीं तो दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा हुआ है, क्योंकि आज जिस प्रकार से हम देख रहे हैं, जिस प्रकार से जो काम चल रहा है, तो इसलिए निश्चित रूप से जो संगठन के लिए एक जो आवश्यक जो कारक है वो कार्यालय है। अब 8 जिला में कार्यालय हो गया, शेष जिलों में भी जो जानकारी है कि
तैयार हो रहा है। हमें लगता है कि बाकी जगहों पर भी जल्दी कार्यालय बन करके तैयार हो जाएगी। और इस अवसर पर मैं देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री, जो कि पूर्व में वही अध्यक्ष थे, और मैं उन दोनों की आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री, आदरणीय अमित शाह जी, जिन लोगों के प्रयास और ये कल्पना से देश के या प्रदेश के सभी जिला में जो कार्यालय बने, तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही अच्छी पहल। और आज जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इधर उधर घूमते फिरते थे, कहीं बैठने का कहीं ठोर ठिकाना नहीं होता था, अब तो इतना भव्य, इतने अच्छे कार्यालय उपलब्ध हो गए कि हम सब लोगों के काम को और गति मिलेगी। और निश्चित रूप से झारखंड में फिर से जो भारतीय जनता पार्टी की यहाँ जो खोई हुई प्रतिष्ठा है, उसको हम लोग फिर से यहाँ पर मजबूत करेंगे। और मैं समझता हूँ कि आज के अवसर पर इतना ही कह करके मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ, और फिर से आप सबको हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।